अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू, एक्सरसाइज नंबर 2। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपके पास 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। आपके पास ऊपर उन्होंने कंडीशन में कह दिया है कि आपके पास जो 4 ऑप्शंस गिवन है आपने उसे सर्कल करना है, आपने उससे टिक मार्क नहीं करना, और सर्कल भी आपने किस तरीके से करना है। आपने सर्कल, जैसे आपके पास एक ऑप्शन गिवन है ए बी एंड सी, यहाँ पे लिखा है 5, 6 एंड 7, तो आपने जो ऑप्शन को सर्कल करना है आपने ऐसे 5, अगर आपको लगता है करेक्ट ऑप्शन है तो 5 को आपने ऐसे सर्कल नहीं करना, आपने इसके नंबर को सर्कल करना है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 में है जो कंडीशन क्वेश्चन है हमारे पास वो है रियल नंबर। इस रियल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि रियल नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जो रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों को अगर मिला दे तो हमारे पास एक रियल नंबर बन जाता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का यूनियन हमारे पास रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास इसकी वो है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है। यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 2 पार्ट इसका, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्क्वायर रूट 81। आपके पास है स्क्वायर रूट 81, तो स्क्वायर रूट 81 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 9 का स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट होके हो जाता है 9, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इस 9 के लिए ट्रू नहीं है। आप देखिए, फर्स्ट है आपके पास ऑप्शन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 to up to 100 चलते जाते हैं, तो उनमें 9 भी आता है, मतलब 9 नेचुरल नंबर है। उसके बाद अगर आप देखें होल नंबर, होल नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 से अप टू 100, तो यहाँ पे भी हमारे पास 9 नंबर बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब है कि 9 हमारे पास नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। आगे थर्ड ऑप्शन देखें, वो है हमारे पास रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर का मैंने आपसे बताया था कि जो आपके पास स्क्वायर रूट लेने से टर्मिनेट हो जाते हैं वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स, मतलब स्क्वायर रूट नहीं, डिवीजन लेने से टर्मिनेट होते हैं। तो यहाँ पे तो आपके पास डिवीजन में 1 है, तो अगर आप इसकी डिवीजन ले भी लें तो आपके पास 9 ही आएगा, तो इसीलिए ये हमारे पास टर्मिनेट हो रहा है, यानी सिंपल एक नंबर के फॉर्म में आंसर है, तो ये हमारे पास इसका रैशनल नंबर भी है। अब थर्ड फॉर्म आप चेक करें, थर्ड है हमारे पास इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर मैंने आपसे कहा था कि वो नंबर्स होते हैं जो आपके पास टर्मिनेट नहीं होते, जो अप टू 100 चलते जाते हैं, जिसमें पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ डिफरेंट आती रहती हैं। तो यहाँ पे आपके पास ना तो पॉइंट है और ना ही पॉइंट के बाद कोई वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि इरैशनल नंबर ऐसी ऑप्शन है जो कि 9 के लिए करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाएं आप इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा ऐसी ऑप्शन है जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब मैंने आपको बताया था कि अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, तो उसका आंसर आपके पास बनना चाहिए एक नंबर, ठीक है। जैसे आपके पास 25 था, तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। 5 को अगर हम 2 टाइम उसी ना 5 को अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आ जाता है। तो आपने परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करना सीखा था कि हम उसके स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं कि डेसिमल में नंबर है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये 2.56 है तो इसका पॉइंट ख़त्म करके ऐसे फॉर्म में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कटिंग करने के बाद आपके पास एक फॉर्म बन जाएगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके पास ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। आपने सारे ऑप्शंस को चेक करना है, तो आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह आप आ जाएं इसकी फोर पार्ट पे, तो फोर पार्ट है स्क्वायर ऑफ 0.9 इज। 0.9 के स्क्वायर का क्या मतलब है, मतलब आपके पास लिखा हुआ 0.9 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि आपने इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। जब आप इसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.81।
नेक्स्ट है आपके पास फाइव पार्ट, वो है आपके पास 7/9 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. तो मैंने आपसे कहा था कि फ्रैक्शन में हो और पावर कुछ भी हो, अगर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब है, क्यूब रूट है, तो हम सेपरेट सेपरेट दोनों पे अप्लाई कर देते हैं. ये आपके पास 7 स्क्वायर और 9 स्क्वायर. ओके, 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 7 × 7. 9 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 9 × 9. जो भी इसका आंसर आएगा वो आपके पास इधर ऑप्शन में गिवन होगा. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 49/81. आपके पास अभी तक जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पार्ट नंबर 1 का बताया है वो है हमारे पास सी. पार्ट नंबर 2 का मैंने आंसर आपको बताया है डी. पार्ट नंबर 3 का जो मैंने आपको आंसर बताया है वो है सी. 4 का है हमारे पास ए. एंड 5 का जो मैंने आपको अभी बताया है वो है सी. ठीक हो गया. अब इसी तरह आ जाए इसके पार्ट नंबर सिक्स की तरफ. तो पार्ट नंबर जो 6 है वो हमारे पास गिवन है. आपके पास उन्होंने समेशन पैटर्न लिखा हुआ और पूछा है कि ये समेशन पैटर्न किस टर्म का है. तो आपके पास समेशन पैटर्न में जो भी एक सिंगल टर्म होती है उस टर्म का वो समेशन पैटर्न होता है. तो यहाँ पे चेक करें तो आपके पास 8 एक ऐसा नंबर है जो सिंगल टाइम है. तो हमारे पास ये 8 स्क्वायर का समेशन पैटर्न है. तो 8 स्क्वायर ऑप्शन नंबर 1. 6 का हमारे पास क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर ए. इसके बाद आ जाए 7 पे. तो 7 पे है आपके पास इफ द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज 0.5 मीटर देन इट्स एरिया. उन्होंने पूछा है स्क्वायर है ये है, उसकी साइड है 0.5 मीटर. आपने बताना है कि अगर स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होगा. तो एरिया हम उसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं? दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 0.5 × 0.5 आपके पास हो जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर. तो ये ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर सी. 7 का आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी. इसके बाद आ जाएं आप लोग पार्ट नंबर 8. पार्ट नंबर 8 पे आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है स्क्वायर रूट 0.04. आपने फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट. तो हमने डेसिमल्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना देखा था कि डेसिमल के स्क्वायर रूट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले तो हम इसका, अगर आपने पॉइंट वाले मेथड से करना है, क्योंकि हमने पॉइंट वाले मेथड से भी सीखा हुआ है कि अगर आपने पॉइंट को ही बाय डिवीजन मेथड से करना है तो आप वैसे भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आप पॉइंट में नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कर लें. 0.04 लिखा है तो सबसे पहले आप इसका पॉइंट फिनिश करें. तो फिर आपके पास हो जाएगा, पीछे वाले जीरोस ख़त्म हो जाते हैं. आगे अगर कोई ज़ीरो हो तो वो कंसिडर करते हैं, पीछे वाला ज़ीरो हम कंसिडर नहीं करते. हमारे पास हो जाएगा 4/10. अब आपकी मर्जी, आप इसके ऊपर वो वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लें या बाय डिवीजन मेथड लगा लें, कोई भी एक मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लें. तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 0.2. इसका आंसर डेसिमल में क्यों आया? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जिस भी फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन हो आपने आंसर उसका उसी फॉर्म में देना होता है. अगर आपके पास पॉइंट में क्वेश्चन गिवन है पॉइंट के फॉर्म में, आपके पास आंसर भी पॉइंट के फॉर्म में आएगा. अगर आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो आंसर भी आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा. नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 9. पार्ट नंबर 9 जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर. मतलब उन्होंने लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर. इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 1 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 को 2 times multiply करना है. दूसरा 4 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4 को 2 times multiply करना है. तो जब आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये बन जाएगा 16. और आगे जाके आपने 16 का स्क्वायर ले लेना है स्क्वायर रूट. तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4. तो यहाँ पे आपके पास 4 है ऑप्शन नंबर ए में. तो 9 का जो हमारे पास आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ये हमारे पास हो गया 9 का आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास 10. 10 में आपके पास जो गिवन है वो है 3 क्यूब रूट के फॉर्म में है.
216 का हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको 2.9 में समझाया था कि हम क्यूब रूट को कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो क्यूब रूट के लिए आपने क्या करना होता है, इसको मैंने आपको कहा था कि आप लिख देंगे इस फॉर्म में. उसके बाद इसका आपने फाइंड आउट करना है एलसीएम. एलसीएम लेने के बाद इसकी कुछ पावर आएगी 3 की फॉर्म में, 2 की पावर 3 आएगी और 3 की पावर 3 आएगी. तो 3 से पावर से 1/3 से कैंसिल होके आपके पास 2 एंड 3 बच जाएंगे. तो 2 3 से आपके पास हो जाएगा 6. तो 6 ऑप्शन जो है वो है हमारे पास डी. तो 10 का आंसर है हमारे पास डी. नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 11. पार्ट नंबर 11 में उन्होंने आपसे पूछा है कि स्क्वेयर रूट 4/9 का आंसर क्या है. पार्ट नंबर 11 में स्क्वेयर रूट 4/9, तो आपने क्या करना है, आपके पास ये फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, मतलब इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो आपने 4 का स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना है, मतलब 4 का एलसीएम लेना है, 3 का एलसीएम लेना है. अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, अगर आप डिवीजन मेथड से करना चाह रहे हैं, तो 4 के ऊपर सेपरेट स्क्वेयर और इसके ऊपर सेपरेट स्क्वेयर करके दोनों के आंसर्स लिख के, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2/3. ठीक है, तो 2/3 हमारे पास जो गिवन है वो है ऑप्शन नंबर ए में. तो हमारे पास ये हो गई ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 12. पार्ट नंबर 12 में हमारे पास दिया हुआ है स्क्वेयर रूट ए डिवाइडेड बाय बी. तो उन्होंने कहा है कि आपके पास इस जिन जो भी तरीके जो भी ऑप्शंस गिवन है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है. इन्होंने सॉल्व करने को इधर नहीं कहा क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को हम सॉल्व नहीं करते हैं. तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन हो तो हम स्क्वेयर रूट ऊपर वाली टर्म के साथ सेपरेट और नीचे वाले टर्म के साथ सेपरेट लिख देते हैं. तो ये वाली ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी. इस तरह ये आपके हो गए एमसीक्यूज. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कंप्लीट. आपने एमसीक्यूज को ऑप्शन को करना है सर्कल, मार्क नहीं करना. आपके पास क्वेश्चन में जो भी गिवन हो ऊपर कंडीशन में कि आपने मार्क करना है तो आपने टिक करना है. अगर आपको सर्कल गिवन हो तो आपने ऑप्शन के ये 1 2 3 नंबर को सर्कल कर देना है. सॉरी, ए बी सी डी के मैंने आपके पास बुक में, तो आपने ए बी सी डी को सर्कल करना है. आंसर 25 या 4/3 जो भी आ रहा है उनको सर्कल नहीं करना. अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वेयर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है, हमने बताना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे और दूसरा हमने बताना है कि फाइंड आउट द स्क्वेयर रूट, कि हमने उसका स्क्वेयर रूट भी फाइंड आउट करना है कि जो नंबर्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे. तो ये हमने इस तरह के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में किए हुए हैं. मैं आपको इसका एक पार्ट करके बता देती हूँ, बाकी दो पार्ट्स आप इसके खुद करेंगे. पार्ट नंबर ए एंड पार्ट नंबर सी आप इसका खुद करेंगे. मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी. ठीक है, सबसे पहले तो आप देखेंगे आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है. 3 0 3 4 9 0 8 1. अब आपने सबसे पहले बताना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं. स्क्वेयर रूट में हमने फाइंड आउट करने हैं, तो पहले हम नंबर इसमें देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ डिजिट्स राइट कर दें. नंबर ऑफ डिजिट्स वो हो गए हैं हमारे पास 8. ठीक है, दूसरा हमने स्क्वेयर रूट में फाइंड आउट करना है, होता है द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वेयर रूट. ठीक है, स्क्वेयर रूट में कितने डिजिट्स होंगे वो जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे हमें फाइंड आउट नहीं होते. लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास इवन नंबर आ जाता है तो हम उसे n बाई टू कर देते हैं, अगर आपके पास ऑड आ जाता है तो उसे हम n plus 1 डिवाइड बाई टू करते हैं. यहाँ पे हमारे पास इवन है तो इसलिए मैं n बाई टू करूँगी. तो मेरे पास हो जाएगा 4. कि जब भी मैं इसका स्क्वेयर रूट लूँगी तो मेरे पास जो आंसर्स के नंबर आएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, वो 4 होंगे. तो मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे पास इसके नंबर ऑफ डिजिट्स 4 आते भी हैं कि नहीं आते. क्या है हमारे पास 3 0 3 4 9 3 0 3 4 9 0 8 1 पेयरिंग.
ठीक है। पेयरिंग करने के बाद आपने क्या करना है, पहला आपके पास 30 है तो 5 5 से 25, मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5 5 और 25। जब मैंने माइनस किया मेरे पास आ गया 5 और साथ में मैंने सेकंड वाला पेयर लिख दिया, सेकंड वाला पेयर हमारे पास क्या है 34। 5 एंड 5 क्या हो गया 10। अब मुझे इसके साथ कोई एक नंबर ऐसा चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाए 534 या 534 से लेस नंबर। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास आएगा 534 या 534 से लेस नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 5 से, 5 से करूँ तो आ जाएगा 25 एंड 5, ठीक है 525 आ गया। अब जब मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास हो जाएगा 9 और सेकंड वाला पेयर 90, 5 पे किया था इसीलिए मैं लिख दूँगी 5, ठीक है। आप देखिए आपके पास रह गया है 9 9 9 0 8 1, ठीक है ये हो गया। आपने अभी किया है माइनस 9 तो हम सेकंड वाला पेयर अभी नहीं लिखते, बस 9 9 0 को रहने देते हैं, 81 को हम बाद में करते हैं। तो अब देखिए ज़रा आपके पास क्या आएगा, ये 105 हो जाएगा, आपके पास 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 110। अब मुझे कोई एक नंबर ऐसा चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 990 आए या फिर इससे लेस नंबर आए, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 9 से तो मेरे पास 990 आएगा एग्जैक्ट कंप्लीट, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ 9 से, ठीक है। और साथ में हमारे पास है 81, यहाँ पर देखें 5 5 25 5 माइनस किया 34 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है 81 हो गया, 90 हो गया, 34 हो गया और 30 हो गया, ठीक है 34 किया तो 5 से मल्टीप्लाई किया 525 एंड 9 9 के बाद 90 और साथ में हमने कर दिया 81, ठीक है। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो आंसर आ जाएगा 0। लेकिन अब देखिए आपके पास लास्ट 81 भी बचा हुआ है तो आप इसको 81 को इसके साथ ही लिख लें। अब हमें यहाँ पे कोई एक नंबर ऐसा चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये पूरे का पूरा है, क्योंकि अगर मैं 90 को लेके करती हूँ तो 990 तो मेरे पास आ रहा है लेकिन 81 नहीं आएगा, बाद में फिर स्मॉल नंबर आ जाएगा, हमें एग्जैक्ट इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 5 एंड 5 10 हो गया एंड 110 तो ठीक है 11009 मल्टीप्लाई बाय 9 करती हूँ, ठीक है आ गया। अगर मैं इसको 09 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, हो गया इसका आंसर हमारे पास आया 5509। क्या आया है हमारे पास इसका आंसर 3 0 3 4 9 0 8 1 का जो आंसर आया है वो आया है 5509 और नंबर ऑफ डिजिट्स हमने इसके पहले ही बता दिए थे वो हमारे पास थे 4। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए भी कहा गया था वो भी हमने फाइंड आउट करके बता दिया। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। इसका पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी सी भी आपने बिल्कुल इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए कंप्लीट करना है। इसके बाद आ जाएं आप लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वहाँ पे भी हमने फाइंड आउट करने हैं इसके स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट में अब मैं आपको जस्ट इसकी ना फ्रैक्शन फॉर्म बताती जाऊँगी कि फ्रैक्शन फॉर्म इसकी क्या बनेगी, आपने जस्ट उसको सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो देख लें फर्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 3 का ए पार्ट, वो है 28 4/9 यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपके पास ये क्वेश्चन है, आपने इसे सिंपल फ्रैक्शन में करके फिर करना है सॉल्व। तो इसको मैंने आपसे कहा था कि 9 को हम करते हैं 28 से मल्टीप्लाई, उसके बाद हम उसके अंदर 4 कर देते हैं ऐड, यानी 28 को मल्टीप्लाई करना है 9 से,
तो जब मैं 28 को मल्टीप्लाई करूँगी 9 से तो मेरे पास आंसर आएगा 252, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 4 तो मेरे पास हो जाएगा 256। तो ये मैं कैसे लिखूँगी, 256 ऊपर और 9 को नीचे, ये मेरे पास इसकी फ्रैक्शन बन गई है। अब आपने लेना है इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आपने ले लेना है ऐसे, 256 का स्क्वायर रूट सेपरेट और 9 का आपने सेपरेट ले लेना है, ठीक है। जो भी आपके पास आंसर आएगा, आपके पास इस फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर आएगा, आपने उसे डिवाइड कर देना है तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन में आपने कैसे लिखना है, अगर आपके पास यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 और रिमाइंडर में आपके पास 1 है, ठीक है, तो इसे कैसे लिखते हैं, 8 आपके पास साइड पे आता है, 4 आपके पास नीचे चला जाता है और ये वाली वैल्यू आपके पास ऊपर आ जाती है, ठीक है। सॉल्व जस्ट अब आपने इसे खुद करना है, इसे सिंपल में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको वो बता दिया है, आगे आपकी मर्जी है, आप इसे डिवाइड करके पॉइंट्स में के फॉर्म में क्वेश्चन कर लें या सेपरेट सेपरेट इसके एलसीएम्स लेके भी कर सकते हैं या डिवीजन मेथड लगा के भी इनके आंसर्स निकाल के उन्हें डिवाइड करके आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका पार्ट नंबर बी का भी सिंपल फ्रैक्शन बता देती हूँ। पार्ट नंबर जो बी है वो है आपके पास 17 128 डिवाइडेड बाय 289। अब इसे आपने क्या करना है, 17 को मल्टीप्लाई करना है 289 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 289। जब 17 को मल्टीप्लाई करूंगी 289 के साथ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4913। उसके अंदर मैं ऐड करना है 128। जब मैंने 128 उसके अंदर ऐड किया तो मेरे पास जो आंसर आया है 5041। या क्या, इसको आपने लिख देना है ऐसे, 5041 ऊपर, 289 डिवीजन में नीचे, ठीक है। अब जब आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है, इसका स्क्वायर रूट सेपरेट, इसका स्क्वायर रूट सेपरेट और इनके आंसर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएंगे तो आपने उन्हें डिवाइड करके इसी फॉर्म में आंसर देना, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह अब आपने इसका पार्ट नंबर सी करना है, सी के बाद आपने इसका पार्ट नंबर जो डी है, पार्ट नंबर डी आपके पास पॉइंट्स के फॉर्म में गिवन है, तो आपकी मर्जी है आप इसे पॉइंट्स में ही रहने दें। पॉइंट्स में सॉल्व करना भी आपने स्क्वायर रूट को सीखा हुआ है बाय डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इसे पॉइंट्स में सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप इसका पॉइंट ख़त्म करके, कई बच्चों को पॉइंट्स में मुश्किल होती है तो वो पॉइंट को ख़त्म करके उसके फ्रैक्शन के फॉर्म में जाकर और फिर उसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे डी पार्ट जो इसका है 0.05 3361, सिंपल आपने करना है जस्ट इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट मैंने आपको पॉइंट वाले भी आप बताए थे कि आप कैसे कर सकते हैं ऐसे पेयरिंग करके, और अगर पॉइंट स्टार्ट में आ गया है तो हम ऐसे ही रहने देते हैं और उसके आगे से इस वाले फर्स्ट पेयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस मेथड से भी मैंने आपको करवाया है, अगर आपके ये वाला मेथड नहीं करना चाहते तो आप इसका इस नंबर का पॉइंट सबसे पहले ख़त्म करें, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आपके पास हो जाएगा पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6, नीचे आपके पास हो जाएंगे 6 जीरोस, ठीक। अब आपने लगाना है इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इस टर्म का स्क्वायर रूट सेपरेट, इस टर्म का स्क्वायर रूट सेपरेट, आपके पास आंसर फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा तो उसे आप लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर देना है। इसी तरह आपने इसके ये पार्ट नंबर ई एफ जी एच एंड आई इसी मेथड को यूज़ करते हुए कर लेना, आपकी मर्जी आप पॉइंट से रिलेटेड कर ले, पॉइंट वाला मतलब इस पैटर्न से कर ले, अगर आप इस पैटर्न से नहीं करना चाहते तो इस पैटर्न से कर ले। इस पैटर्न में भी आपके पास आगे फर्दर दो पैटर्न्स हो जाते हैं कि आप इसको सेपरेट सेपरेट करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, जिस मर्जी मेथड से आप कर ले आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर आपका डिफरेंट
नहीं होगा, बस आपको मेथड को सॉल्व करना आना चाहिए। तो इस तरह ये आपका इजीली, अगर आपने पीछे सारे क्वेश्चन समझे हुए हैं तो ये आप पार्ट नंबर 3 को आसानी से कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।